दर्शकों नमस्कार, मैं हूं हसीब खान और आप देख रहे हैं MNS प्राइम शो। आज हम आपसे बहुत ही पेचीदा मसले पर बात करेंगे। क्या किसी भी सरकारी बैंकों में 5 दिन में 750 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं, और क्या इतनी रकम जमा हुई तो क्या एक दिन में इनकी गिनती हो सकती है? आपने देखा होगा कि एक बैंक के भीतर कैशियर के पास सिर्फ एक ही मशीन होती है। अब इस छोटे से मशीन में कितनी रकम गिनी जा सकती है, इसका मूल्यांकन या अंदाज नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल ये मेरा पेचीदा मसला नहीं है, बल्कि नोटबंदी और इसके पुराने नोटों की बदली है। हम बैंक और उनके कैशियर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस स्नाइडर, इकोनॉमिक्स और मनी लाइफ ने अपने वेबसाइट पर एक खबर छापी थी कि अहमदाबाद सहकारी बैंक में 8 से 13 नवंबर के बीच 745 करोड़ रुपये जमा हुए। देश में सबसे ज़्यादा पैसे इस बैंक में जमा हुए। अहमदाबाद सहकारी बैंक के वेबसाइट पर लिखा गया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैंक के चेयरमैन सन 2000 से हैं। भाजपा जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होके भी वो एक सहकारी संस्था के अध्यक्ष हैं, ऐसा कैसे संभव है? इतना ही नहीं, राजकोट जिला सहकारी बैंक में भी 693 करोड़ जमा हुए, जिसके चेयरमैन गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री विट्ठल भाई हैं। ये हम नहीं, ये RTI की रिपोर्ट कहती है। हालांकि RTI की रिपोर्ट में यह नहीं लिखा गया है कि इस पैसों की उड़ाडाल का मामला क्या है या गड़बड़ी क्या है, मगर इस बैंक के अध्यक्ष अमित शाह है इसलिए ये जानकारी अलग अलग तरीकों से दिखाई गई है। मगर ये खबर सबसे पहले इंडोनेशिया न्यूज़ सर्विस के द्वारा छापी गई थी। कुछ मीडिया से ये न्यूज़ को हटाई गई, मगर क्यों हटाई गई ये आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, इस बैंक के अध्यक्ष अमित शाह ही हैं। इस खबर को रोकने का एक कारण ये भी हो सकता है, इस बैंक से पुरानी नोटें सबसे ज़्यादा बदली गई हैं, जबकि किसी भी शहर में इतनी नोटों की बदली नहीं हुई है। इसका एक पहलू ये भी है, इस बैंक के अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं। इस पर राहुल गांधी ने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी कि आपके बैंकों में पुराने नोटों को बदलने का रिकॉर्ड है, आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, आपके इस कार्य से पूरे देश को वित्तीय नुकसान हुआ है, इस उपलब्धि के लिए आपको सलाम। ये सारी बातें हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि इस नोटबंदी के शिकार आप भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका नोटबंदी का फैसला कालाधन सफ़ेद करने के लिए भाजपा सरकार के ये फैसले तानाशाही हैं, ये तो जनता ही बेहतर समझ सकती है। और सच क्या है ये आप समझिए और हम दिखाएंगे आपको सियासत का हर सच, क्योंकि सच ज़रूरी है। नमस्कार।